फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार एस एन पांडे ने इसे लागू कराने के लिए सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को 9 मई को एक आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान होगा। यूपी के एजुकेशन बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है। बीजेपी नेता और यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज यात्रा के मामलों से जुड़े मंत्री मोहसिन रजा ने इसका स्वागत किया है। रजा ने कहा कि इससे बच्चों में देश के प्रति प्यार बढ़ेगा, यह अनुशासन और देशभक्ति की सीख देगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अब अनिवार्य किया गया है। खुदरा महंगाई में तेज उछाल, मार्च के मुकाबले करीब 1% का इजाफा। देश में खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में खुदरा मुद्रास्फीति 6.95% थी, जो अप्रैल में छलांग लगाते हुए 7.79% पर पहुंच गई है। देश में खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिला है। यह उछाल मुख्यतः ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण माना जा रहा है। उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई आंकड़ा लगातार चौथे माह रिजर्व बैंक की ऊपरी सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर रहा। दिल्ली के कई इलाकों में चला बुलडोजर, पुलिस से भिड़े स्थानीय लोग, हिरासत में लिए गए आप MLA। MCD की कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने आप नेता सहित अन्य नेताओं को डिटेन किया है। आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने आप विधायक समेत 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि पुलिस ने उन्हें MCD की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद वे लोगों की मदद करने पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले उन्हें रोका और जब वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डंपर में घुसी कार, 5 की मौत, 2 जख्मी। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जाते समय जेवर टोल प्लाजा से 40 किलोमीटर पहले माइलस्टोन के पास सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बोलेरो कार नियंत्रण से बाहर हो गई और आगे जा रहे डंपर में जा घुसी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुबह 5 बजे हुए इस भीषण हादसे में कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जेवर थाने की पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। क्लब असेंबली की मीटिंग होटल पार्क प्लाजा फरीदाबाद में हुई। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल क्लब असेंबली की मीटिंग होटल पार्क प्लाजा सेक्टर 21C फरीदाबाद में संपन्न हुई, जिसमें अनूप मित्तल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, JS गुप्ता चेयरमैन इंस्टॉलेशन, KB जैन प्रेसिडेंट, IP सिंह क्लब सेक्रेटरी उपस्थित रहे। यह मीटिंग आज शाम 6 बजे हुई।